नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी बी डी ओ री एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों को फेयर स्टडी मंत्रा की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा पेपर करके आओ, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। जैसे आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल है उनमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करूँगा। और परीक्षा में देखो, एक चीज़ तो आप मान के चलो कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, मैं आपको एक बिल्कुल एकदम खुल के एकदम फ्रैंकली तरीके से बात बताता हूँ कि आप परीक्षा के समय किसी की न तो स्ट्रेटजी अपनाएं न किसी का तरीका अपनाएं कि भैया क्या करना है, कि मतलब दूसरा इस प्रकार से सॉल्व करके दिखा रहा था मेरे को यूट्यूब पे या कहीं भी कुछ भी करके ये बता रहा था, तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी ना अपनाएं। अगर आप पास भी हो रहे होंगे तब भी फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, आपने जो परीक्षा में स्ट्रेटजी बनाई है, जो आप जिस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करें। किसी दूसरे की नकल करके आप कुछ नहीं कर पाओगे लास्ट दिनों में। हाँ, 4-6 महीने होगा, हैबिट पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाते हैं आप तो बात अलग होती, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पेपर खुद के आइडिया से, खुद के स्ट्रेटजी से निकलता है, दूसरे की नहीं। मैं भी बता दूँ 50 स्ट्रेटजी, क्या हो जाएगा उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ, एक दो चीज़ काम आती है, वो आत अलग है, मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो आपने अपनाया है, जो आप बनाते हो, जो आप करते हो, वही स्ट्रेटजी अपनाओ, दूसरे की स्ट्रेटजी अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पेपर सॉल्व करने का तरीका एक जो मैं हमेशा अपनाता हूँ, शायद आपके लिए कारगर हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कारगर हो, मैं वह आपको बता देता हूँ। जैसे 150 प्रश्न आएंगे आपको मालूम है, 50% रीजनिंग, 50% हिंदी और 50% GS के आने वाले हैं। हमेशा जितने भी एक घंटे में या पौन घंटे में जितने भी तुम्हें लगे कि जितने क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उतने क्वेश्चन, मतलब जैसे हिंदी करना है पोर्शन, सबसे पहले तुमको हिंदी में लग रहा है कि मेरे से जो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट 100% है, आप पे बिल्कुल विश्वास है कि ये तो 100% सही है, इसके बाद हमें नहीं मालूम क्या हो सकता है। ठीक है साथियों, जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लो कि 50 में से 30 क्वेश्चन आप पे लग रहे हैं तो 30 ही लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ। हाँ, सेकंड उसके लिए छोड़ दो कि अगर हाँ आप पर रिव्यू में छोड़ दो कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। और GS और हिंदी तो ऐसी चीज़ है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो जितने भी 100-150 क्वेश्चनों में से जितने मान लो कि तुम्हारे पास 70 क्वेश्चन लग रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट 100%, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। और फिर जो थोड़ा बहुत रहेगा, जैसे 30-35 क्वेश्चन और लगाने हैं आपको, तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि शुरुआत से लपेटे जा रहे हो कि पहले हिंदी उठा ली तो हिंदी के ही 50 क्वेश्चन कर रहे हो, समय लगता है उसमें, समय आपको बचाना है तो इस प्रकार से आपका समय बच सकता है। और आप देखना परीक्षा के अंदर समय बच जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो अपनाना, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटजी से काम करो। ठीक है, अब देखो साथियों, एक सेफ स्कोर का बवाल मचा रखा है लोगों ने, वो उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। कोई कह रहा है 240 लाओ, कोई कह रहा है 250 आएगा, कोई कह रहा है 260 लाओगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। देखो, इस प्रकार की भ्रांति और इस प्रकार के भ्रामक खबरों से बचो। YouTube पर कहीं भी कोई कह रहा है कि 250 लाओ, 280 लाओ, इस चीज़ के लिए तो भैया बात समझ में आ रही है आपको, ये चीज़ बेकार है। आप अपना बेस्ट दीजिए, कितने नंबर आते हैं वो तो बाद की बात है। ऐसा नहीं है कि 240 लाओगे 250 लाओ, जिनके कभी ज़माने में 250 नहीं आए ना, ऐसे मान लो कि 300 नंबर की परीक्षा है, इनके कभी 200 नहीं आए ज़माने में, वो कह रहे हैं कि 250 लेके आओ, और वो बड़ा और देते हैं कि नहीं मेरी तरफ से सेफ स्कोर इतना रह सकता है। अरे भैया पागलो, इतना जब पिछली बार परीक्षा में नकल हुई थी तब 70% नहीं गई थी उसकी कट ऑफ, तो आप अंदाज लगा लो कि उतनी ही कट ऑफ जाने वाली है जितनी पिछली बार गई थी। तो इसे सेफ सेफ चक्कर के मौसम में मत पड़ो कि मैं 250, अरे 250 क्या, मैं 300 लाऊँ तो मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ो, टारगेट सेट करके जाओ कि भैया 250 लाने हैं, और 250 के चक्कर में आए नहीं 180 भी आपकी, तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दो, अच्छे से अच्छे पेपर करके आओ, और ये 250, 240, 30 इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आपका सिलेक्शन, अगर आपका अच्छा पेपर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन पेपर अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधी बात ये है। क्योंकि 2000 लोगों का सिलेक्शन होना है लगभग, तो 2000 में और 14 लाख बच्चे परीक्षा में बैठने, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस चीज़ के बारे में। और इस चीज़ के चक्कर में जाओगे कभी 250 ही लाने तो आप और कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा पेपर नेगेटिव चला जाएगा। तो आप इस चीज़ के चक्कर में निकाल दो बिल्कुल, और ये वही फैलाते हैं भ्रम जो इन्हें कोर्स बेचने होते हैं। अरे इनको खुद से पूछो, खुद पेपर में बैठ जाओ तो बता देना कि आपके कितने मार्क्स आ गए, 250 नंबर तुम ही ला के दिखा दो, कौन सा धुरंधर है आदमी। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, और दोबारा से आपको बेस्ट ऑफ लक, और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।